के केक पर आइसिंग कैसे करते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया चोको आमंड केक, आज उसी केक पर हमको आइसिंग करनी है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, बाउल में हम क्रीम ले लेंगे। ये हैवी क्रीम है, हैवी क्रीम लिया है मैंने, एक कप मैंने यहाँ पर क्रीम ले लिया है। अब इसे हमें विस्क करना है। हैवी क्रीम बहुत सारी कंपनी का आता है, आप कोई भी चूज कर सकते हो, कोई भी ले सकते हो। चलिए अब हम इसको बीट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ किया है, आप लोग हैंड विस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा और इलेक्ट्रिक बीटर से फटाफट हो जाता है। तो चलिए इसे हम बीट कर लेते हैं। इसका पीक फॉर्म होने लगा है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्रीम आप जब भी यूज करें, जब भी हमें केक बनाना है तो पहले हमारा क्रीम फ्रीजर में रहता है, तो फ्रीजर में से निकाल कर कम से कम 4 से 5 घंटे हमें फ्रीज में उसे रखना है, क्योंकि अगर उसका आइस क्रिस्टल रहेगा तो हमारी क्रीम अच्छी नहीं बनेगी, हमारी क्रीम फ्लफी नहीं होगी। तो ऐसी फ्लफी क्रीम बनाने के लिए हमारी क्रीम को एकदम लिक्विड फॉर्म चाहिए, लिक्विड बेस चाहिए, लेकिन चिल्ड चाहिए, रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल नहीं चाहिए, फ्रीज में ही रखना है, ठंडा ही करके देना है हमको। तो वो हमारी साइज में डबल हो रही है, प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं ये साइज में डबल हो रही है। दोस्तों ये देखिए हमारा क्रीम तैयार हो गया, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे एक नंबर पर ही एकदम स्लो स्पीड पर मैंने हमारी क्रीम को बीट किया है। दोस्तों कभी भी आप जब भी क्रीम को बीट करें तो उसे एकदम लो स्पीड पर करें, क्योंकि अगर आपने एक साथ ही उसका स्पीड बढ़ा दिया तो वो मशीन जल्दी गर्म हो जाएगी, और मशीन गर्म हो जाएगी तो क्रीम पिघलने लगेगी। ये देखिए दोस्तों हमारा क्रीम कैसे रेडी हुआ है, ये देखिए बाउल उल्टा किया फिर भी हमारा क्रीम नहीं गिर रहा है, एकदम परफेक्ट हुआ है। चलिए अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्रोपोलाइट लिया है, ट्रोपोलाइट क्रीम मैंने लिया है यहाँ पर, ये देखिए। आप इसकी जगह पर गोल्डन मार्क है, सिल्वर मार्क है, कोई भी आप क्रीम ले सकते हो, बहुत सारी क्रीम आती है मार्केट में। ये देखिए हमारा क्रीम रेडी है, चलिए अब हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है हमारा चोको आमंड केक, मैंने इसका बेस रेडी करके रखा है, आप लोग देख सकते हैं। इसको हमें तीन लेयर में कट करना है, ये देखिए हम मैं कैसे कट कर रही हूँ। अब देखिए इससे पहले एकदम हल्के हाथ से हमें इसको ऐसे गोल गोल घुमाना है, हल्के हाथ, एकदम हल्का हाथ, एकदम प्रेशर बहुत कम देना है। ये देखिए कितना अच्छा स्लाइस हमारा बाहर निकल कर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों हमारा केक कट हो गया, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए मैंने इसके तीन लेयर की हैं, आप लोग देख सकते हो। चलिए अब मैं इसकी आइसिंग करना शुरू करती हूँ। दोस्तों मैंने डायरेक्ट ही, ये टर्न टेबल है आपके पास में, शुरुआत में अगर टर्न टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी नॉर्मल गोल डब्बा ले लीजिए, उसके ऊपर बड़ी सी डिश रख दीजिए और ये केक उस पर रख दीजिए आप लोग। ये दोस्तों ये है शुगर वाटर, इसमें मैंने 2 चम्मच शक्कर डाली है और पानी, नॉर्मल शुगर वाटर है ये, इसको कुछ चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है। इसको हमें थोड़ा सा स्पंज हमारा गीला करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी है स्पंजी है हमारा स्पंज। ये देखिए, ये देखिए मेरे हाथ को देख सकते हैं, और ये देखिए क्रीम कैसे अप्लाई, ये स्पैचुला है, ये देखिए फ्रेंड्स ये स्पैचुला, इसको पकड़ना कैसे है, ये जो यहाँ पर कर्व है, कर्व टाइप का, उसको आपको ऐसे होल्ड करना है, ये देखिए। और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको आपके टर्न टेबल को धीरे धीरे से आपको घुमाना है, ये देखिए, ये देखिए हो गई क्रीम हमारी स्प्रेड पूरे केक पर। चोको आमंड केक दोस्तों नॉर्मली है ना वो चॉकलेट का होता है, लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट हैं जिनको चॉकलेट नहीं पसंद है, तो मैं ये चॉकलेट वाला नहीं बना रही हूँ ये केक। दोस्तों ये हमारे तीनों लेयर हैं, तीसरी लेयर मैंने यहाँ पर रख दी है, देखिए। और इसे अभी पूरे केक को यहाँ पर कवर कर देना है, मैं यहाँ पर क्रीम से कवर कर रही हूँ, आप चॉकलेट से कवर कर सकते हैं। चॉकलेट गनाश हम कैसे बनाते हैं जो केक के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके लिए दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, ताकि मैं आपको नई नई रेसिपीज, नई नई चीजें दिखा सकूँ रोज। अभी हमारे पूरे केक को हमें कवर कर देना है क्रीम से, ये देखिए। उसके बाद पर केक बोर्ड पर कैसे इसे ट्रांसफर करते हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
पास एटीएम कार्ड है, वेस्टेज है, तो मैं इससे इसको एकदम शार्प एज दे रही हूँ। ये देखिए, अगर आपके पास में स्मूदर है तो आप स्मूदर से इसे कर सकते हैं। इसका एकदम फिनिश अच्छा आता है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। एक ही जगह पर हमें रखना है, कार्ड को हमें नहीं घुमाना है, खाली हमारे टेबल को हमको घुमाना है बस। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए प्लास्टिक का स्मूदर भी हमको मार्केट में इजीली मिल जाता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास में अगर वेस्टेज एक्सरे पड़ा हुआ है, एक्सरे को भी आप कट कर सकते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा केक स्मूथ हो गया, एकदम फाइनल, एकदम फिनिशिंग अच्छी आ गई। अब इसको मैं केक बोर्ड पर ट्रांसफर कर लेती हूँ, क्योंकि हमको फाइनल टच देना है। तो फाइनल टच ये देखिए, ये दूसरा स्पैचुला है, ये बड़ा स्पैचुला है, जिससे हमें ऐसा एक साइड से स्लोली स्लोली ऐसे टर्न करते करते, देखिए कैसे मैं कर रही हूँ, ये देखिए पूरा केक घुमा दिया और बीच में मैंने ये रख दिया, ये देखिए, और ये हमारा केक उठ गया ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको केक बोर्ड पर ट्रांसफर कर लेती हूँ। ये देखिए आप लोग कितनी आसानी से केक बोर्ड पर हमारा केक ट्रांसफर हो गया, देखिए आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये केक कॉम्ब है, इसको केक कॉम्ब बोलते हैं, ये इजीली मार्केट में केक की शॉप पर हमको आसानी से मिल जाएगा। ये इससे हम यहाँ पर डिजाइन दे सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने रखा, ये एकदम स्मॉल वाला है, ये उससे बड़ा है और ये मीडियम है, ये मैं एकदम छोटा वाला ले रही हूँ अभी। ये देखिए एक ही जगह पर हमको रखना है और हमारे केक को खाली हमारे टेबल को घुमाना है बस। ये देखिए देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं इसमें हमारी डिजाइन कितनी अच्छी आ रही है, ये देखिए देखा दोस्तों आप लोगों ने कितनी आसानी से हो जाता है केक बनाना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तक आप लोग नहीं बना रहे तब तक आप लोगों को बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन जैसे आपने बनाना शुरू किया आपको खुद को ऐसा लगेगा नहीं मुझे केक बनाना आ गया, बहुत आसान है केक बनाना। ये देखिए हमारा केक एकदम परफेक्ट हुआ है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। अभी हमारा ये जो केक बोर्ड है हमारा, उसे थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। ये देखिए आप टिश्यू से भी क्लीन कर सकते हैं, आपके पास में टिश्यू है तो टिश्यू से क्लीन कीजिए, कोई किसी भी साफ कपड़े से क्लीन कर लीजिए केक बोर्ड को हमारे, ये देखिए। ओके, ये हमारा क्लीन हो गया केक बोर्ड। इसके बाद में दोस्तों ये है स्टार नोजल नंबर 1N1 लिखा है इसमें, ये देखिए नूर का है ये स्टार, सबसे बड़ा स्टार, इससे रोज बनता है, ये देखिए सबसे बड़ा स्टार है ये। एक ही नोजल्स में हमारा पूरा केक रेडी हो जाएगा, हमको 3-4 नोजल यूज करने की जरूरत नहीं है। ये पाइपिंग बैग है, ये देखिए पाइपिंग बैग आसानी से हमको मिल जाती है, मैंने यहाँ पर ये नोजल डाला है, ये देखिए इसमें हम क्लीन करते हैं, ये देखिए कैसे करते हैं हम, ये देखिए आप लोग ये देखिए आप लोग मैंने इसमें क्लीन कर लिया। इसको कैसे प्रेस करना है वो आप लोग देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पर कैसे पकड़ा है। अगर आप नए नए हैं, आप नए नए केक बनाना सीख रहे हैं, तो प्लीज आप इन सब चीजों को फॉलो कीजिए, आपको बहुत जल्दी बहुत आसानी से केक बनाना आ जाएगा। ये देखिए मैंने ये ऐसे पकड़ा है, ये देखिए मेरा अंगूठा और एक उंगली इस तरह से, इसको यहाँ से हमको, ये हमारा थंब है ना, यहाँ से प्रेस करना है। ये देखिए देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे रखा फर्स्ट राउंड, ये देखिए फर्स्ट राउंड डन, ये देखिए हमारा रोज बन गया। सेकंड, बहुत आसान है, ये देखिए खाली ऐसे राउंड घुमाना है बस, ये देखिए ये देखिए हो गया दोस्तों हमारा केक रेडी, बन गया हमारा रोज, देख सकते हैं आप लोग। ये हमारा चोको आमंड केक है, इसमें मैंने चॉकलेट अभी यूज नहीं किया है, लेकिन मैं कहाँ यूज करनी हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी हमको यहाँ पर इतना हमारा केक परफेक्ट हो गया बस, अब हमको यहाँ पर चोको आमंड केक है,
तो उसके लिए हमको बादाम चाहिए। ये देखिए मैंने बादाम लिया है यहाँ पर, कुछ 8 से 10 बादाम मैंने है यहाँ पर, मैंने जिसके स्लाइसेस कर लिए हैं। अब ये बादाम को हमें कैसे लगाना है वो आप अपनी मर्जी से, आपको जो डिजाइन पसंद है आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर इसमें मैं जैसा दिखा रही हूँ वैसा भी वैसा ही आप लगाइए, आपको जैसा पसंद है आप ऐसा लगा सकते हो। देखिए मैं लगा रही हूँ, दोस्तों आप प्लीज आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आपको मेरी ये वीडियो बहुत जरूर अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। प्लीज अगर आप लोग मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप मेरी और भी साथ कुछ रेसिपीज देखना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। अगर आप कुछ प्रॉब्लम है आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज, बहुत इजी है केक बनाना। ये देखिए एक ही नोजल से मैंने, ये देखिए एक ही नोजल से हमारा पूरा केक रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं, देखिए एकदम आसान है। बन गया ना हमारा एकदम बाहर बेकरी जैसा दुकान जैसा केक, ये देखिए एकदम रेडी है हमारा केक। अब मैं आपको एक मिनट और दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तों मैंने कुछ बादाम यहाँ पर मैंने बीच में डाल दिए हैं। आप चोको आमंड केक बना रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली ये केक मेरे ऑर्डर की है तो इसमें मैं चॉकलेट नहीं डालूँ क्योंकि मेरे कस्टमर को चॉकलेट नहीं पसंद है, लेकिन आप इसकी जगह पर चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट वाला बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्रश्ड आमंड है वो मैं यहाँ नीचे ऐसे डाल देती हूँ, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए देखिए कितना आसान है ना केक बनाना, कुछ भी टाइम लगा कुछ भी नहीं, फटाफट क्रीम हमने फेंटा और फटाफट हमने केक के 3 लेयर किए और केक हमारा रेडी। ये देखिए दोस्तों हमारा केक बनकर रेडी हो गया है और मैंने यहाँ पर पूरी चॉकलेट पूरी केक में चॉकलेट नहीं यूज किया है, खाली 2-3 ड्रॉप ही मुझे इसमें यूज करना है। तो देखिए मैं कैसे यहाँ पर डाल रही हूँ, कितना चॉकलेट डाल रही हूँ वो सामने वाले पर डिपेंड करता है। ये देखिए ये मैंने चॉकलेट ले लिया है, ये चॉकलेट मैंने पहले से रेडी करके रखा था। चॉकलेट कैसे बनाते हैं, चॉकलेट गनाश कैसे बनाते हैं, व्हाइट चॉकलेट डार्क चॉकलेट, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों को मेरे नेक्स्ट वीडियो भी दिखा सकूँ। ये देखिए ये हमारा इस तरह से केक रेडी हो गया। अब सिंपल कुछ भी आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, पूरा चॉकलेट हमें केक पूरा केक हमें चॉकलेट वाला नहीं बनाना था इसलिए मैंने पूरे केक में चॉकलेट नहीं डाली है। चोको आमंड केक है इसके लिए हमें थोड़ी सी चॉकलेट यहाँ पर यूज़ करनी पड़ी। ये देखिए देखिए दोस्तों हमारा केक रेडी है पूरी तरह से, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा केक बना है। ये देखिए आप लोग ये देखिए है ना बिल्कुल मार्केट जैसा केक हमारा, कितना आसान है केक बनाना। तो आप लोग प्लीज दोस्तों एक बार जरूर घर पर बनाकर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।